नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, चलो बढ़िया रहना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हम लोग सुबह ट्रेनिंग देते हैं डेली ना, वहाँ पे फायर के बारे में बताते हैं, हाइट के बारे में बताते हैं, हॉट के बारे में बताते हैं, मतलब अलग 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 काम के बारे में डेली बताते हैं आप लोग को, ठीक है ना। लेकिन मैं वहाँ पर क्या प्रैक्टिकली वहाँ पर नहीं दिखाता हूँ आप लोग को, समझ, केवल आपको क्या करता हूँ, बताता हूँ, समझ गए ना। लेकिन आज जो है हम आप लोग को बताएंगे आग कैसे लगाया जाए। वैसे सपोज आग लग गया है ना, तो आज लगा के दिखाएंगे और बुता के भी दिखाएंगे किस तरीके से आग को बुझाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं, आग होता क्या है? सबसे पहले हम जान लेंगे आग होता क्या है। कोई बताएगा आग क्या होता है? किसी को पता है आग क्या होता है? आप लोग तो घरों में आपके खाना बनाते हो ना, चूल्हा पे बनाते हो या फिर गैस पे बनाते हो या फिर कैसे भी आग आग देखे होगे आप, लेकिन कभी सोचा है आग क्या होता है, ये कैसे लगता है? सोचा है कभी? नहीं सोचा है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो आग का डिफिनीशन एक होता है, ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन का हिंदी होता है रासायनिक अभिक्रिया, समझ गए ना। जिसमें हमें तीन चीज़ें मिलती हैं, जब क्या होता है, तीन चीज़ें जब मिलती हैं, क्या क्या, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। क्या होता है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ऑक्सीजन का मतलब होता है जो हमारे वातावरण में हवा जो है, क्या है ये, हवा, वातावरण में जो हवा दिखता है, जो हम लोग लेते हैं, हवा ले रहे हैं ना, सांस लेते हैं ना, वो क्या है हमारा, वही ऑक्सीजन है। और दूसरा चीज़ क्या हो गया, हीट। देखो इस समय धूप बहुत जाते हैं ना, हीट है ना, क्या गर्मी लग रही है कि नहीं, गर्मी लग रही ना, ये क्या है, एक ताप है, क्या है, ताप है। दूसरा चीज़ क्या हो गया, हीट हो गया, समझ गए। और तीसरी चीज़ क्या हो गई, फ्यूल, मैंने बोला फ्यूल। फ्यूल किसी सबको पता नहीं होगा फ्यूल क्या होता है, फ्यूल तो इंग्लिश शब्द है, फ्यूल का ही शब्द होता है। ये देख रहे हो लकड़ी, ये क्या हो गया, ये लकड़ी है ना, ये एक हमारा फ्यूल है, पदार्थ है, कोई वस्तु है, समझ गए, जो जलने वाला पदार्थ है, इसी को ही फ्यूल कहते हैं, जो मटेरियल है हमारा, समझ गए ना। तो हमने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया आग को लगने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन, हीट और फिर क्या, फ्यूल। यही तीनों चीज़ जब मिल जाती है तो क्या होता है, आग लग जाती है। आग लगने से पहले स्टार्टिंग में सपोज दैट ये हमने यहाँ पे ये लकड़ी रख दिया है ना, यहाँ पे हम अब आग लगा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माचिस की तीड़ी ऐसे मारेंगे ना, तो इसमें छुआएंगे, सबसे पहले क्या निकलेगा हमारा, धुआं निकलेगा ना, पहला नंबर क्या निकलेगा, धुआं। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, उसमें थोड़ी थोड़ी क्या होगी, हीट पैदा होगी, समझ गए ना, क्या होगी, हीट पैदा होगी। जैसे हीट जब पैदा हो जाती है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो क्या होगा, भप्पारा मार देता है तेज से, होता है कि नहीं होता है, सीधा क्या होता है, आग लग जाता है। जब आग लग जाता है तो उसमें क्या होता है, अगर अंधेरे के समय में आप क्या करो, आग लगाते हो, तो वहाँ पर क्या होती है, रोशनी हो जाती है बहुत तेज़ी के साथ, रोशनी होती कि नहीं, होती है ना। तो यहाँ पे हमें आग से कितनी चीज़ें निकली, धुआं निकली, ताप निकला, और उसके साथ क्या निकला, एक रोशनी निकली, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब वहाँ पे क्या रहा, ऑक्सीजन उपस्थित रहा, तभी आग लगा, समझ गई नहीं। तो यही हमारी परिभाषा भी होती है, आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या निकलता है, धुआं, ताप और ज्वाला, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। और फिर इसके बाद लास्ट हमारा क्या होता है, एक प्रकाश भी देता है हमें, समझ गए ना। परिभाषा आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छे से आपको समझा दिए, समझ गए ना। और ये भी पता चल गया आग कैसे लगता है, कितनी चीज़ें मिलकर आग लगती है, कौन कौन, ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल और हीट, समझ गए ना। मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, यहाँ पर देख सकते हैं हमने ट्रायंगल भी बना रखा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें भी क्या लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या लिखा है, हीट लिखा है, हीट का मैंने आपको बताया ताप होता है, जो गर्मी है हमारी। और यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यूल, फ्यूल जैसा कि मैंने आपको बताया लकड़ी, समझ गए ना। तो यही जब देखो तीनों चीज़ मिला दिया ना, ये आग का शेप दे दिया, आग भी ऐसे लगती है, तैसे होते ना त्रिकोण में, तो आग का शेप दिया गया है, ये समझ गए ना। तो बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको लगाना तो आ गया, अब बुझाने का भी तरीका हम सीखेंगे, सीखेंगे कि नहीं। अब बुझाने का तरीका यही है, एक उसमें से अगर हम निकाल देंगे तो क्या होगा, अलग हो जाएगा ना। देखो ये हमारा तीन चीज़ें है ना, सिंपली दिख रहा है सबको ना, तीनों चीज़ें ना। तो अगर हम इसमें से क्या करें, यहाँ पे जो हीट है, हीट को हम वहाँ पे गर्मी जाने ही ना दे,
तो आग लगेगी नहीं लगेगी ना। अगर ये फ्यूल हमारा है, अगर वहाँ पे लकड़ी रहे ही ना, यहाँ पे अगर लकड़ी नहीं रहे केवल ईंट वगैरह हम रख देते, यहाँ पे आग लगेगी? माचिस कितना ही बार है उसमें लगेगी आग? नहीं लगेगी ना। और यहाँ पे ये तीसरा चीज़ है ऑक्सीजन। कभी कभी आपने टीवी में मूवी में पिक्चरों में आप देखा होगा क्या होता है किसी मूवी में टनल मतलब समझते हो जो हमारा गुफा हो गया या फिर कुआं हो गया, वहाँ पे लालटेन लेके जाते हैं। किस लिए लेके जाते हैं? देखने के लिए, कुछ रोशनी के लिए नहीं, ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए लेके जाते हैं। अगर जहाँ तक लेके जाएंगे इसे लालटेन लेके जाएंगे, जहाँ तक हम पहुँचेंगे मतलब जहाँ तक जलती रहेगी वो, समझो वहाँ तक ऑक्सीजन है। अगर उसके आगे हम बढ़ें, अगर वो बुझ गई तो मतलब उसके आगे क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। समझ गए ना? जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ऑक्सीजन रहेगी तभी आग लगता है। आप लोग घर वो प्रैक्टिकली करना कभी, ऐसे आप लोग बहुत किए होंगे, आग जला लेते होगे और माचिस से तीड़ी और यहाँ पे आपने मुंह में डालते होगे ना, पैसे करते होगे ना, तो यहाँ पे बुझ जाता है। बुझ जाता है ना? क्यों बुझ जाता है? क्योंकि आपके मुँह के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। समझ गए ना? ये लोग आप लोग बहुत करते होगे। तो वही तीनों चीज़ है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो चलो अब देखो, आप तो आग समझ गए। आग भी कई प्रकार के भी होते हैं। आग कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। हम लोग मोस्टली 5 प्रकार के पढ़ते हैं, ठीक है ना, और आप लोग को 5 प्रकार के मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना कौन कौन होता है। देखो, पहला होता है हमारा सॉलिड फायर, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सॉलिड फायर, जिसे जनरल फायर कहते हैं हम। जनरल फायर में हमारा क्या आता है? लकड़ी आता है, कागज़ के गत्ते आते हैं, कपड़े आते हैं, या नॉर्मली चीज़ जो हमारा क्या हुआ, जलने वाली चीज़ होती है, प्लास्टिक हो गई, जो हमारा किसके थ्रू बुझ जाए? पानी से बुझ जाए, वो क्या है हमारा जनरल फायर में आ जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हमारा क्या आता है? दूसरा आता है हमारा गैस फायर। क्या? गैस या ऑयल फायर आता है। क्या होता है? गैस या ऑयल। अब देखो गैस क्या होता है, यहाँ पे देखो LPG जानते हो आप लोग, घरों में आपके यूज होता है LPG, जिससे खाना बनाया जाता है, बनाते हो ना सिलेंडर वाला, तो क्या होता है? LPG गैस होता है, वो हमारा Class B में आता है। समझ गए नहीं? उसको बुझाने के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर जानते हो क्या होता है? ये क्या रखा है? ये फायर एक्सटिंग्यूशर, इसे बोलते हैं, जो सिलेंडर आप लोग बोलते हो, इसे हिंदी में बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। क्या? ये अग्निशामक यंत्र। इसको किस कहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग? आग बुझाने के लिए। अब देखो हमारा जो जनरल फायर है, पहला वाला मैंने आपको बताया जनरल फायर हो गया ना, उसको बुझाने के लिए अगर सपोज दैट आपके यहाँ कहीं आग लग गया नॉर्मली, ठीक है ना, तो आपको जनरल फायर में आप पानी डाल सकते हो। यहाँ पे अगर लकड़ी में आग लग गई तो क्या करो? इसमें पानी डाल दो, क्या होगा? ये बुझ जाएगा सिंपली, ठीक है ना। अगर यही चीज़ गैस में लग जाए तो उसमें आप पानी मारोगे तो वहाँ बुझेगा? नहीं बुझेगा। अगर सपोज दैट, और उसी में आता है एक कौन सा आता है? ऑयल फायर आता है। अगर डीजल में लग गया आग तो डीजल में अगर आप पानी डालोगे तो बुझेगा? नहीं बुझेगा, क्योंकि वो तेल है, तेल हल्का होता है पानी से, वो तो और ऊपर आता जाएगा ना, तो आग नहीं बुझेगा। समझ गए ना? गैस और आयल भी, दूसरे वाले में कौन सा आता है? गैस और आयल। अब ये अगर दोनों चीज़ आपको दिखे ना, इसके लिए आप फोम टाइप यूज करिएगा। फोम क्या होता है पता है? फोम क्या होता है? फोम मैंने टीवी टीम बताया है, हमारे जो SS के होंगे उसको पता होगा फोम क्या होता है। आप बताओ फोम, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना फोम क्या होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये फोम। जैसे आप लोग कपड़े भिगोते हो ना, उससे पहले सोडा डालते हो ना, उसको ऐसे ऐसे करते हो ना, तो क्या होता है? उसमें झाग निकलता है। क्या निकलता है? झाग निकलता है ना, तो वही एक फोम टाइप का एक्सटिंग्यूशर होता है। ये सिलेंडर होता है जो हमारा क्या होता है, उसमें झाग जैसा भरा रहता है, जब उसको चालू करके डालते हैं ना, वहाँ पे मारते हैं तो क्या होता है, हमारा वो लेयर एक बना लेता है तेल के ऊपर। जब लेयर बना लेता है तो क्या होता है, वो कनेक्शन काट देता है। कनेक्शन किसका काट देता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, समझ गए। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचे तो ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगी। अब हमारा सी क्लास आता है। सी क्लास में हमारा आता है इलेक्ट्रिकल फायर, समझ गए ना। इलेक्ट्रिकल फायर में क्या कौन कौन से आते हैं? जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर केबल हमारा कटा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है, हीट के कारण क्या होता है, कभी कभी केबल जलने लगते हैं, होता है ना, तो उसके लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्यूशर यूज करेंगे। ये वाला देखो यहाँ पे, ये CO2, ये वाला हमारा कौन सा है? ये CO2 टाइप का है। और हमारे डीजल रूम है यहाँ पे ना, अगर सपोज डीजल वहाँ क्या बोलते हैं, डीजल जनरेटर है ना, अगर उसमें आग लग जाते हैं तो आपको किसका यूज़ करना है? इसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे देखेंगे तो रखा होगा, समझ गए। अब इसको क्यों यूज़ करेंगे? इसमें जानते हो क्या होता है? CO2 होता है, एक गैस टाइप का होता है उसमें, समझ गए ना। तो जब इसको मारोगे आप तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप मारोगे तो मशीन हमारा ख़राब नहीं होगा, समझ गए ना। आग क्या होगा? सिंपली बुझ जाएगी।
अब इसके बाद हमारा क्या आता है, डी टाइप का आता है। डी में क्या होता है, मेटल फायर आते हैं, समझ गए ना। मेटल में क्या होता है, हमारा लोहा आता है, इनको बुझाने के लिए हम सिंपली कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए हम, ये हमारा कौन सा आग है, पहले में आता है जनरल फायर आता है, कौन सा, जनरल फायर। देख सकते हैं यहाँ पे सर लगा रहे हैं आग इसमें, अब देखो कैसे बुझाया जाता है। अरे बहुत लटा उधर, कोई नहीं, आग लगाएंगे, कैसे बुझाना है दिखा के बस। ठीक है, अरे यार ये तो टूट गया। अरे ये सर ये तो सब टूट जा रहा है। अब ये लोकल वाला ही है, आराम से लगा दो। ये भाई छोटा ही है, चलो छोड़ रहे हैं दो, लेकिन इसमें से गया वो निकलता है ना। ये क्या नाम है, अरे बस अभी डाल नहीं, CO2 डालेंगे सर। डायरेक्शन हाँ, एक बात और ध्यान दो, देखो बता देना। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन मतलब क्या होता है, जो हवा चलता है हमारा ना उसके विपरीत में हमें रखना होता है फायर एक्सटिंग्यूशर, जो हमारा सिलेंडर है। देख सकते हैं इधर का हवा हमारा इधर से इधर चल रहा है ना, तो सर देख सकते हैं उधर हमारा फायर एक्सटिंग्यूशर उधर रखे हुए हैं। अगर सपोज दैट कहीं पे आग लगता है तो आपको इसी तरीके से रखना है, इसको बात को ध्यान देना आप लोग। और लगाइए सर आप ही, देखो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, यहाँ पे ये पिन है, सेफ्टी पिन होता है इसे बोलते हैं, सेफ्टी पिन को आपको निकालना होता है और आपको जो है यहाँ पे पकड़ना होगा अच्छे से। और फिर इसके बाद ग्रिप से पकड़ लीजिए, हाँ देखो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा से रोटेट करेंगे इसको, देख सकते हैं आग बुझ गया ना। इसी तरीके से आपको कोई भी आग लगे तो वहाँ पे आपको आग के अनुसार बुझाना है आपको। डीजल डाल, सबको एक बार ट्राई करो, फोटो लगे। हमेशा इस चीज को ध्यान देना है कि यहाँ पकड़िए, ये पकड़ेंगे ना तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। ये पाइप नहीं पकड़नी है, हमेशा वहाँ पकड़ना है। दो खोलो, अपने से खोलो, एक हाथ से पकड़ो, एक हाथ से खोलो। देखो कैसे खोल रहे हैं आप लोग, देखो इसको जितना ज्यादा खोलेंगे उतना ज्यादा इसमें से प्रेशर से निकलता है वो, समझ गए ना। फिर से लगा, एक और माचिस मार, पकड़ने दो, आग पकड़ने दो और थोड़ा तेज करो, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ये देख रहे हैं कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर है, एक मिनट सुन लो, ये कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर है, समझ में आ रहा है किसी को। ये CO2 टाइप का है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल में कहीं आग लगे तो इसका यूज करना है, इसको कभी मत लेके जाना ये वाला फायर एक्सटिंग्यूशर ABC टाइप का, क्योंकि इसमें से पाउडर निकलता है, आपका मशीन जो है खराब कर देगा, पूरी डैमेज कर देगा। और इसमें से देख रहे हो गैस निकल रहा है, ठीक है, हाँ तो इसका आपको ध्यान देना है और जरूरत का टाइम पे यूज करना है। हाँ इसे ऐसे ही नहीं मत करिएगा, ये हमारे जरूरत के लिए है, नहीं कि अभी देख लेते हैं।